दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैथी नाम की एक एथलीट कोच को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कार में बैठकर हनी सिंह के भजन सुन रही थी। वही पार्किंग में खड़ी एक और कार में से एक टकला आदमी उसे आवाज देने लगता है। उसके बुलाने पर कैथी वहां चली जाती है और उससे बात करने लगती है, पर पहले तो वो उसे यहां से चले जाने को कहती है, क्योंकि ये एक प्राइवेट पार्किंग थी जो कि बस यहां की स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई थी। पर वो कैथी की बातों को हल्के में ले लेता है और कैथी को ही वो उल्टा डराने लगता है। साथ ही कैथी को बाप भाई की गाली देकर वहां से कार लेकर चला जाता है, जहां कैथी भी उसे दो चार गालियां देकर कोचिंग सेंटर के अंदर आ जाती है। पर अभी भी वो आदमी वहां से गया नहीं था, जहां अंदर आकर कैथी साफ सफाई करने लगती है और लड़कियों के आने से पहले अपने सारे काम फटाफट निपटाने लगती है। तभी वहां उसकी एक स्टूडेंट टाइम से पहले आ जाती है। वो बाहर उसी टकले आदमी को फोन पर गुटगू करता देखती है और अंदर आ जाती है अपनी स्टूडेंट को टाइम से पहले देख। कैथी उससे पूछती है कि तुम्हारे अलावा कोई और भी जल्दी आया है क्या? तब वो कैथी को बताती है कि शायद हाँ, क्योंकि बाहर एक टकला सा आदमी अपनी कार के साथ खड़ा है। ये सुनकर कैथी को समझ में आ जाता है कि ये वही टकला है। कैथी उसे पकड़ने के लिए बाहर चली जाती है और कार के अंदर उसे ढूंढने लगती है, पर वो वहां नहीं था। ये बात कैथी को अजीब लगती है और वो सीधा पुलिस को कॉल लगा देती है और उन्हें बताती है कि हमारी पार्किंग में किसी आदमी ने अपनी कार पार्क कर दी है और मुझे लगता है कि वो हमारे गर्ल्स कोचिंग सेंटर में घुस चुका है। जहां पूरे कोचिंग सेंटर को छानने पर भी वो कैथी को कहीं पर भी नहीं मिलता, पर कैथी को यकीन था कि वो यहीं कहीं पर छुपा हुआ है, जहां इसमें पुलिस भी उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती थी। पर पुलिस उसकी कार को वहां से हटाने का कैथी को कह देते हैं। फिर भी कैथी कोचिंग सेंटर के हर एक रूम में जाकर उसे एक बार फिर ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो रोज की तरह ही लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगती है। पर तभी कैथी फोम बैग में किसी अनजानी चीज को हिलता हुआ नोटिस करती है, जहां ध्यान से देखने पर उसे पता चल जाता है कि ये वही टकला है जिसने उसे सुबह परेशान किया था। टकला आदमी बड़ा ही ठरकी था, जो कि यहां लड़कियों को ताड़ने छुपा हुआ था, पर यही उसकी जिंदगी की आखिरी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, क्योंकि उसने कैथी से जो पंगा ले लिया था। इस ठरकी को सबक सिखाने के लिए कैथी को एक शैतानी आइडिया आता है और वो पहले तो फोम बैग के पास जाकर खुली हुई चैन को बंद कर देती है, जहां से वो ठरकी लड़कियों को ताड़ रहा था, और सभी लड़कियों को अपने पास बुलाकर मिनी ट्रैक की प्रैक्टिस करने को कह देती है, जिसे अंदर छुपा आदमी भी सुन लेता है। ये बात सुनकर उसकी फट जाती है, क्योंकि ठरक के चक्कर में अब उसके एल लगने वाले थे। वो चैन खोलने की कई बार कोशिश करता है, पर चैन नहीं खुलती। जहां मिनी ट्रैक की तैयारी लड़कियां पूरी कर लेती है और पहली लड़की दौड़ने के लिए तैयार थी, वो फुल स्पीड में जाकर मिनी ट्रैक से कूद जाती है, जो कि सीधा उस ठरकी पर लैंड होती है। अंदर उस ठरकी को भी काफी चोट लग जाती है, पर ये लड़की गिर गई थी और वो मिनी ट्रैक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जिस वजह से इस बार कैथी रैंप पर दौड़ने के लिए चली जाती है। असल में कैथी एक नेशनल लेवल चैंपियन रह चुकी है, पर उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो एक कोच बन गई थी। वो फुल स्पीड में दौड़कर आती है और सीधा इस बार उस ठरकी की छाती पर ही लैंड होती है, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट जाती है और उसका खून भी निकलने लगता है। पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाता और अब उसकी कब्र इसी फोम बैग में बनने वाली थी। कैथी फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजाकर अपनी सभी स्टूडेंट लड़कियों को मिनी ट्रैक पर छोड़ देती है और अब एक एक कर लड़कियां रैंप पर दौड़कर फॉर्म बेड पर कूदने लगती है और उस ठरकी की हर एक हड्डियां कुछ इस तरह चटकने लगती है। उसके जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जो टूट ना गया हो, जहां एक के बाद एक लड़कियां उसके सभी अंजर पंजर तोड़ रही थी। कैथी को ये पता था कि फॉर्म बेड के अंदर ठरकी है, पर वो एक के बाद एक लड़कियों को भेजती जाती है बार बार, कई बार दोबारा, क्योंकि उसे सबक जो सिखाना था। जहां आखिरी लड़की इतनी जोर से ठरकी के ऊपर लैंड होती है कि उस ठरकी की एक आंख ही बाहर निकल आती है, जिसके बाद छुट्टी हो जाती है और सभी लड़कियां वहां से चली जाती है। जहां सभी लड़कियों के जाने के बाद कैथी फोम बैग के नीचे काफी सारा खून देखती है और बैग खोलकर अंदर टूटे फूटे ठरकी को भी देखती है, पर उसे बचाने के बजाय कैथी उसके जिस्म पर ब्लीच लिक्विड डालकर उसके जख्मों को और भी दर्द देती है।
जिसके बाद वो फोम बैग में अब किसी काम के ना रहे थर की टकले को पैक करके कचरे के डिब्बे में डाल देती है। और यही इस शॉर्ट फिल्म का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।